शाहरुख खान के बाद अब सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था। हालांकि अब जल्द ही उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब सलमान खान के चाहने वालों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। दरअसल YRF के स्थापना दिवस और फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की जयंती पर टाइगर निर्माता आदित्य चोपड़ा 27 सितंबर को टाइगर का खास संदेश दिखाने वाले हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म के ट्रेलर से पहले की भूमिका है। इसके बाद फिल्म का प्रमोशन भी शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों पहले ही टाइगर 3 का पहला पोस्टर रिलीज हुआ था। इसमें सलमान और कटरीना का जबरदस्त अंदाज और एक्शन देखने को मिला था। आपको बता दें, सलमान खान स्टारर ये फिल्म इस दिवाली पर ही रिलीज होने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वीडियो में दबंग सलमान खान को एजेंट टाइगर के रूप में एक और महत्वपूर्ण मैसेज देते हुए दिखाया जा सकता है। ये प्रीव्यू भी हो सकता है क्योंकि लंबे समय से लोग इस फिल्म के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। आपको ये भी बता दें कि टाइगर 3 में सलमान खान और कटरीना कैफ के अलावा इमरान हाशमी भी दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें करण अर्जुन यानी कि शाहरुख सलमान की जोड़ी भी एक बार फिर साथ में दिखने को मिलेगी। इससे पहले सलमान किंग खान की फिल्म पठान में कैमियो भूमिका में दिखाई दिए थे। अब किंग खान भाईजान की फिल्म में कैमियो भूमिका करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। इससे पहले व्यूवर्स टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान में सुपर जासूसों को देख चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सलमान खान की फिल्म लोगों के बीच कितना ज्यादा धमाल मचाती है और क्या कुछ आगे बेंचमार्क सेट करती है। फिलहाल बिग बॉलीवुड पर तो अभी जवान का ही जलवा चल रहा है और गदर 2 के बाद जवान काफी ज्यादा पॉपुलर हिट साबित हो गई है। जवान के आगे सारे पिक्चर्स फ्लॉप साबित होती जा रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि जवान का क्या रिकॉर्ड टाइगर 3 तोड़ पाएगी। वेल, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।